हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को तत्काल टिकट कंफर्म बुक करने के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। जैसे कि इसी ट्रिक्स और टिप्स से मैं 100% कंफर्म तत्काल टिकट बुक करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल में जाके, आप हमारा देश प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैं कंफर्म तत्काल टिकट लाइव बुकिंग कर करके मैं अपलोड करता था, लेकिन अब मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं। इसका कारण है कि आप लोगों को पता है कि मतलब तत्काल टिकट जो बुकिंग होता है वो पर्सनल आईडी से बुकिंग होता है, जो कि इलीगल है। जो कि अगर बाई द वे गलती से भी अगर रेलवे की नज़र में पड़ जाता तो मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए मैं अब लाइव बुकिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बुकिंग करूँगा भी तो महीना में एक आध टिकट अपलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो अपलोड मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, उसका कोई रीज़न है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि कन्फर्म तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन, एक स्मार्टफोन। दूसरा, लैपटॉप चाहिए आप लोगों को। अगर लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर से भी काम हो जाएगा, अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो खुद से, ठीक है। तो एक कंप्यूटर चाहिए और एक मोबाइल चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा हो क्या रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अभी हो क्या रहा है कि कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी मोबाइल फास्ट काम कर रहा है तो कभी कभी लैपटॉप मतलब आगे निकल जा रहा है। अभी मोबाइल में मतलब सर्चिंग अभी हो ही रहा है, पेज अभी ओपन होने ही वाला है, तब तक लैपटॉप में हम कुछ पेमेंट वेमेंट का ऑप्शन भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों रखना ही पड़ेगा कंफर्म टिकट बुक करने के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर, आप जो मास्टर लिस्ट ऐड करते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आप मास्टर लिस्ट ज़रूर ऐड करें। अगर आप एक टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल में आप मास्टर लिस्ट ऐड ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मास्टर लिस्ट भी ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोग बहुत बार नोटिस किए होंगे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा भी सेम ऐसे ही होता है। अगर मैं मास्टर लिस्ट एक पैसेंजर का भी टिकट बुकिंग करने जाता हूँ, अगर मास्टर लिस्ट ऐड किया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग में टाइम लग जाता है। तो उतना देर में आप खुद से टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वही करना है, अगर आप एक टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आप खुद से पर्सनली टाइप कर लीजिएगा। मोबाइल से बुकिंग करें तो मोबाइल से, लैपटॉप से बुकिंग करें तो लैपटॉप से, ठीक है। खुद से टाइप कर लीजिएगा, और उसे ज़्यादा बुकिंग करना है तो मास्टर लिस्ट ऐड कर लीजिएगा, कोई मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर गलती से भी तत्काल बुकिंग के समय में अगर आप गलती से भी कोई दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप भूलिए कि आप कन्फर्म टिकट बुक कर पाइएगा, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग करते समय आपका सारा कंसिस्टेंस आपका टिकट बुकिंग पे होना चाहिए। गलती से भी कोई भूल भाल ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप टिकट आपको 100% कंफर्म नहीं मिलेगा। ये मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार करके देख चुका हूँ। अगर गलती से भी तत्काल के वक्त आप गलती से भी कोई दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप टिकट बुक नहीं कर पाइएगा, कितना भी आप हड़बड़ाए टिकट बुक नहीं कर पाइएगा। और टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको प्यार से टिकट बुकिंग करना है, एकदम कंफर्म बुक हो पाए, ठीक है। कोई कितना भी हार्ड रूट क्यों ना हो, अगर आप हड़बड़ी में टिकट बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको आज नहीं तो कल कन्फर्म टिकट मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात बता देते हैं, मतलब चौथा ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि पेमेंट जो आप करते हैं ना, तो आप लैपटॉप से फास्ट बुकिंग होता है। जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आप पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा बुकिंग के समय जब आप UPI ID जब सेलेक्ट करिएगा ना, तो वहाँ पे आपको एक QR कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप फोन पे से स्कैन करके तुरंत पेमेंट करके इमीडिएटली आप टिकट कंफर्म बुक कर सकते हैं। और मोबाइल में होता क्या है कि आपको अपना UPI ID पहले से टाइप करके उसमें कॉपी पेस्ट करके मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, और लैपटॉप में टाइम नहीं लगता है। तो आपका उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपना फ़ोन में अगर PayTM यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना फ़ोन में उसको ओपन कर लेना है, उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को सबसे पहले आपका मोबाइल पे मतलब पेमेंट करने से पहले उसको मतलब स्कैनिंग आपको खोल देना है। ओपन करके आप उस मतलब लैपटॉप में जो स्कैनिंग आएगा उसमें स्कैन करके आप तुरंत पेमेंट कर दीजिए, इमीडिएटली आपका कंफर्म टिकट बुकिंग हो जाएगा। और एक बात, पांचवा पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आजकल हो क्या गया ना कि जो टिकट बुकिंग है वो AC या नॉन AC का, तो स्लीपर क्लास का मैं बता दे रहा हूँ। स्लीपर क्लास का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब जो बुकिंग हो पाता है 11:04 तक रेलवे खुद से पर्सनली टिकट बुकिंग करती है, 11:04 के बाद से कंफर्म टिकट बुकिंग होना चालू होता है ऑनलाइन वालों का। अब वो मैंने 11:04 से लेके 11:07 के अंदर ऑनलाइन वाला टिकट सारा ख़त्म हो जाता है। अगर बाय द वे 11:04 तक टिकट ख़त्म हो गया तो वो बैड लक, अगर 11:04 के बाद अगर सीट रहता है तो आप 100% टिकट बुक कर पाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 11:04 के बाद से ऑनलाइन का जो सारा सिस्टम है वर्क करने लगता है, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ,
कि आप जो मोबाइल से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको भीम UPI जो होता है ID अपना मोबाइल नंबर @YBL Paytm जो भी होता है आपको पहले से टाइप करके कॉपी कर लेना है। इसके बाद पेमेंट के दौरान आप पेस्ट करके आप अपना टिकट कंफर्म बुकिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को मेरा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।